हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर से और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हूँ और वो है क्या, होमोनिम्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ जिस तरीके से इंग्लिश में ग्रामर का बेहतर ज्ञान होना आवश्यक है। इफ यू नो द वेल ग्रामर बट इफ यू डोंट नो द वर्ड्स मीन्स यू कैन नॉट स्पीक वेल इंग्लिश, यू कांट अंडरस्टैंड वेल इंग्लिश, यू कांट राइट वेल इंग्लिश, यू कैन नॉट रीड वेल इंग्लिश। यू नो हाउ I want to tell you that suppose that any words are there which gives two more than two meanings and another right and three four five also, so just you can't say that according to paragraph, according to line we can take the Hindi meaning. Just in 12th class there is a lesson, the English language, in 16 lesson, right? In 12th class 16 lesson there is a lesson the English language. It means in that chapter totally it is explained that it is very difficult to understand the proper meaning of English because there are a lot of words which gives different meaning place to place. बहुत सारे शब्द होते हैं जो जगहों के अनुसार उनके अर्थ बदल जाते हैं, जैसे शब्द जिनके अलग अलग, हिंदी में भी तो हमने पढ़ा ना भाई, मैंने कहा गज, तो गज मीन्स यदि हम नाप रहे हैं तो वो क्या हुआ, एक माप करने वाला मेजरमेंट इकाई हुई, और मैंने कहा गज तो गज मीन्स तो हाथी भी होता है, राइट? लाइन लिखी गई है, लाइन क्या लिखी गई है, पानी गए न उबरू मोती मानस चून, तो पानी का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ, पानी का तात्पर्य कई जगह हमारे रिस्पेक्ट से है, पानी का तात्पर्य वहां पर जो हम पीते हैं उससे है, तो अलग अलग है ना। तो उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं बहुत सारे वर्ड, होमोफोन कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, दो से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे हमने लिखा द वर्ड विच गिव द टू और मोर देन टू मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोनिम्स कहलाते हैं। जानना बहुत जरूरी है नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा आप मेरे क्लोज फ्रेंड हो, अब हम नहीं जानते कि क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना भी होता है, क्लोज मीन्स घनिष्ठ भी होता है, तो मैंने कहा यार ये क्लोज ये बंद करने वाला दोस्त कौन सा है ना, क्लोज मीन्स घनिष्ठ होता है यार। तो उसी तरह इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कैपिटल लिखा, जैसे हमने फैन लिखा, तो मैंने कहा कि जो फैन है ना आपका जो चल रहा है, तो मैंने कहा फैन इज मूविंग, तो वहां पर फैन का मतलब हुआ चलने वाले से, पंखा है ना, और मैंने कहा मैं आपका फैन हूं, अ सॉन्ग वॉज देयर बिफोर सम टाइम मैं फैन हुई तेरी वाला, तो ये कौन सा फैन हुआ, पंखा तो हुआ नहीं, फैन में इस प्रशंसक हुआ ना, राइट? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वर्ड हमारा कैपिटल, तो कैपिटल मीन्स क्या होता है, कैपिटल मीन्स बड़ा होता है, बोलते हैं राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर में बड़ा हुआ, कैपिटल मीन्स पूंजी हुई, और कैपिटल मीन्स और क्या हुआ, राजधानी। तो इसकी कितने मीनिंग है, कैपिटल के सेम स्पेलिंग है, बिल्कुल स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही, बस अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो कैपिटल मीन्स बड़ा हुआ, कैपिटल मीन्स पूंजी हुआ, और कैपिटल मीन्स राजधानी, तो हो गए ना दो या दो से ज्यादा मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड जैसे राइट है, तो राइट मीन्स सही होता है, राइट मीन्स दाहिना होता है, और राइट मीन्स अधिकार होता है, ओके? जैसे हमने कहा यू आर राइट, आप सही हो, नेक्स्ट मैंने कहा दिस इज माय राइट हैंड, नेक्स्ट मैंने कहा दिस इज माय राइट टू डू एनीथिंग एनी लीगल थिंग इन अवर कंट्री, राइट? नेक्स्ट जैसे हमारा वर्ड है फैन, फैन मीन्स अभी हमने बताया फैन मीन्स क्या होता है, पंखा होता है, और फैन मीन्स क्या होता है, प्रशंसक होता है, फैन मीन्स पंखा और फैन मीन्स प्रशंसक। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस मीन्स क्या होता है, जैसे सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, और सेंटेंस मीन्स नेक्स्ट होता है मृत्यु दंड, सेंटेंस मीन्स, राइट? नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा होती है, और सब्जेक्ट मीन्स करता हुआ, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा हुआ, और सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है यार, कोई भी पूछता आपसे ना कितनी सारी सब्जेक्ट है, अब बता दो पांच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स विषय हुआ, राइट? नेक्स्ट वर्ड वेल, वेल मीन्स कुआं, और बेल मीन्स अच्छा। यदि आपने कहा आई वेल मतलब मैं अच्छा हूं, और आपने कहा सर आई एम इन वेल, तो क्या समझेगा, मैं कुआं
मैं हूं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोर्ड। बोर्ड मीन्स क्या होता है, एक तो पटरा होता है जिसपे अपन लिख रहे हैं, ये बोर्ड हुआ, राइट। और बोर्ड मीन्स नेक्स्ट क्या हुआ, मंडल हुआ, पूछते ना कौन सा वाला बोर्ड है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राइट। और नेक्स्ट तो पटरा हुआ, मंडल हुआ, और बोर्ड मीन्स गाड़ी में चढ़ना। तो इस तरीके से लॉर्ड ऑफ बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनकी अलग ग्लोसरी है। एंड वन मोर थिंग आपको मैं बता दूं, जितने भी ये वर्ड्स हुए ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन, होमोनिम्स, यदि आप चाहें तो मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल एक बुक है, एक नहीं बल्कि मेरे पास दो बुक्स हैं, एक बेसिक है, नाम है द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, सेकेंड है द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश पार्ट टू, जिसमें टोटल वर्ड्स दिया गए हैं, चाहे वो फ्रेजेस हो, चाहे एडियम्स हो, चाहे प्रीफिक्स सफिक्स हो, चाहे ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, 100 to 200 की लिस्ट दी गई है, आप उसे चाहें तो राइट हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं, और नहीं चाहें कोई बात नहीं, आप ऐसे वर्ड्स पढ़ लें, कोई अदर बुक से पढ़ लें, इंटरनेट से पढ़ लें, मोबाइल से पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ लें, पर ये वाले बहुत सारे बुक्स वर्ड्स पढ़ें, जितने ज़्यादा आपके पास वर्ड होते जाएंगे इंग्लिश उतनी प्रॉपर आप समझेंगे, इंग्लिश उतनी प्रॉपर आप लिखेंगे, इंग्लिश उतनी प्रॉपर आप पढ़ेंगे, राइट। तो आप पढ़ें इन शब्दों को अलग से और बहुत सारे वर्ड्स पढ़ें, और प्लीज़ मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले वीडियो आप तक शेयर कर सकें, राइट। थैंक यू।